हाय फ्रेंड्स, दिस इज स्वप्निल श्रीवास्तव। टुडे वी विल टॉक अबाउट रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भिलाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भिलाई के बारे में। तो आई हैव ओपन माय पीडीएफ इन माय कंप्यूटर सिस्टम, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा पीडीएफ में रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का बड़ा बड़ा नाम, साथ में उसकी फोटो। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसी प्रकार से मैंने फोटो जो है बहुत बढ़िया लगाई है। आप लोगों को फोटो देख के कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फोटो जो है काफ़ी जानदार है, काफ़ी हरी भरी फोटो है। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, स्टैट्स एंड रैंकिंग हर बार की तरह है। तो भैया, इनको जो है नैक ने ए ग्रेड की रेटिंग दी है। छत्तीसगढ़ में इनके सबसे ज़्यादा पॉइंट आए थे 3.23 स्कोर, जो कि जो कोई हमारे छत्तीसगढ़ के भाई लोग हैं वो इस कॉलेज में जाने की सोच सकते हैं। रैंक की बात कर लेते हैं तो भाई, इंडिया टुडे ने इनको 27th रैंक दी थी इंजीनियरिंग में। इस्टैब्लिश हुआ था 1999 में, काफ़ी बढ़िया है। कैंपस एरिया की साइज़ बात कर लेते हैं, 150 एकड़ है, जो कि काफ़ी बड़ा कैंपस एरिया हो गया। अब बात करते हैं दाखिला कैसे ले सकते हैं, यानी कि मोड ऑफ एडमिशन। मोड ऑफ एडमिशन में आप देख सकते हो डायरेक्ट एडमिशन, नो अदर एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द 12th, लो जेई मेन रैंक। किसी भी तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा डायरेक्ट बाद, यहाँ पे ऐसा समझिए। कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना, अगर आपने जो है जेई मेन के लिए पेपर दिया था तो आपका जो है ऑफकोर्स यार हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। 12th के नंबर अगर अच्छे हैं तब भी हो जाएगा, थोड़े से अच्छे नहीं हैं तब भी हो जाएगा। अब इस कॉलेज में गाइस, आपको जो है एडमिशन लेने के साथ ही साथ जो है तुरंत स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो स्क्रीन पे मेरी टीम का नंबर आ रहा है, अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोर्स से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, और क्या कहते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आप जो है स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म, ऑफिशियल वेबसाइट का इस फॉर्म लिंक भी दिया हुआ है। पेमेंट छोड़ के बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कॉलेज के पास चली जाए, कॉलेज आपसे जो है खुद कॉन्टैक्ट कर सके। साथ ही साथ जो है वो फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा, उससे आपका डेटा जो है मेरी टीम के पास भेजा जाए, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो गाइस, अगर किसी भी चीज़ की क्वायरी है तो नंबर पर कॉल जरूर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फीस। फीस कितनी होने वाली है गाइस? 38,050 रुपये जो है आपकी फीस पड़ेगी सेमेस्टर में, जो कि काफ़ी नॉमिनल है, ज़्यादा नहीं है फीस। फीस के हिसाब से फैसिलिटीज़ भैया क्या अच्छी होने वाली है, तो वीडियो में बने रहो, यही हम बताने वाले हैं। बात कर रहे हैं भिलाई कैंपस की, रायपुर कैंपस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो भैया, ये चार्ट लगा रखा हुआ है मैंने, आप लोग देख सकते हो, वीडियो को रोक के चार्ट को देखो, स्क्रीनशॉट लो वीडियो का। हॉस्टल फीस की बात कर लेते हैं, 70,000 रुपीज़ है, कौशल मनी 2,000 रुपीज़ देनी पड़ेगी आपको। ये रहा भैया हॉस्टल का चार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। जो 4-सीटर है 70,000 रुपये पैसा देगा, 3-सीटर रूम लेगा 80,000 रुपये, 2-सीटर में 1,00,000 रुपये। कौशल मनी रिफंडेबल है, 2,000 रुपये आपको देने ही देने हैं। ये सारे चार्ट है, फोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बल्कि आपको अगर ढूंढना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है जाइएगा, आपको वहाँ पे भी आराम से मिल जाएगा। बात करते हैं अब हम प्लेसमेंट के बारे में। भैया, फीस कम ले रहे हैं तो क्या प्लेसमेंट में कुछ ऊँची नीच होने वाली, या प्लेसमेंट अच्छी नहीं इस कॉलेज की? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा फोड़ के रखे हुए हैं बच्चों ने। प्लेसमेंट इनका हाईएस्ट पैकेज गया था 48,00,000 रुपीज़ का, जो कि DBS बैंक ने दिया था। उसके बाद इनका हाईएस्ट पैकेज गया था 38,00,000 रुपीज़ का, जो कि अमेजोन ने दिया था। R1 कैंपस, आपका R1 कैंपस भिलाई ही कैंपस है। 300 से ज़्यादा कंपनी आई थी, 2500 से ज़्यादा जो है ऑफर दिए गए थे। और गाइस, बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो है इनका रिकॉर्ड है, डे वन में 359 सेलेक्शन जो है हुए थे। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, अमेजॉन सैप, कोनी लैब्स एक्सेट्रा, इन सब जगह जो है आप जा सकते हो। ओवरऑल पैकेज की बात कर लेते हैं, 4.5 लाख रुपीज़ पर एनम। मीडियम पैकेज 3,00,000 रुपीज़ पर एनम। टॉप रिक्रूटर्स की बात करते हैं, अमेजॉन, DBS, कॉग्निजेंट, एसेंचर, साथ ही साथ जितनी भी मास रिक्रूटर्स कंपनी है, यानी कि TCS, विप्रो, SCL, इन ये सारी कंपनी भी आती हैं। भैया ये बताइए, आपने इसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो ये फोटो क्यों लगा के रखी हुई है? ये फोटो इसलिए लगा के रखी हुई है गाइस, इसमें आप लोगों को पॉइंट दिखाना चाह रहे हैं। टोटल पैकेज ऑफर्ड दिस ईयर टू रुंगटा स्टूडेंट ₹515 मिलियन। तो गाइस, ये आप लोग देखो, 515 मिलियन जो है रुपए का, जितने इतना पैकेज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सब बच्चों को मिला के 515 मिलियन रुपीज़ आया है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और बाकी जो है हाईएस्ट पैकेज और क्या कहते हैं मीडियम पैकेज जो है सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी गाइस, ऑफिशियल वेबसाइट से ये स्क्रीन शॉट है, जाके आराम से देख सकते हो। हॉस्टल के बारे में बात करते हैं भैया, लड़का लड़की दोनों जो है सेपरेट हॉस्टल मिलता है। कॉमन रूम बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है, सोफ़ा के और टीवी लगी हुई है, केबल टीवी। एसी रूम, अगर आपको एसी हॉस्टल चाहिए तो उसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट से जो है रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है हर एक कमरे में आपको फर्नीचर प्रोवाइड किया जाता है, टेबल चेयर, स्टडी लैम्प, कबर्ड, पावर एंड इंटरनेट कनेक्शन। भैया हॉस्टल दिखता कैसे देखने में तो भाई 5-स्टार होटल लगता है। ये देखो, 5-स्टार होटल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ डिसेंट होटल टाइप का जो है लगता है देखने में। हॉस्टल इतनी जल्दी इतने अच्छे जो है हर जगह नहीं होते हैं।
भैया ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने हॉस्टल की पिक ली हुई है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। अब भैया कोई लोग कमेंट में ये मत लिखना कि भैया ऐसा हॉस्टल नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो यार आप लोग अगर इस कॉलेज में पढ़ो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, जिससे कि स्टूडेंट्स जो है अवेयर हो जाए बाकी सारे। ये ऑफिशियल वेबसाइट से है, आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये फोटोज़ देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फैसिलिटीज़। भैया फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, लाइब्रेरीज में आप कभी भी जा सकते हो, आराम से बुक ले सकते हो, बहुत सारी बुकें दी गई हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी जो है इनकी बहुत ख़तरनाक वाली है। भैया सारे ग्राउंड जो है प्रोवाइड कर रही है रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। भैया आपको बाहर आउटडोर गेम खेलने के लिए जो है कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, इस सब चीज़ों के ग्राउंड प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ जो है इनके अदर ब्रांचेस से जो है कंपटीशन भी चला करते हैं, और गाइस इंडोर गेम्स भी है, कैरम, चेस। हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, भैया हेल्थ सर्विसेज सारे कॉलेज जैसी एक ही साथ एक ही जैसी होती है, 24 घंटे सातों दिन। भगवान ना करे किसी कुछ हो, अगर कुछ होता है तो तुरंत जो है आपके लिए जो है हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। कैंपस जो है बहुत हरा भरा है, आपको मैंने पहली फोटो में दिखा दिया, बहुत बढ़िया है, आप देख के जो है आपकी आँखों को ठंडक बैठेगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फेस्ट एंड इवेंट्स एट RGI। व्योम इनका जो है एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है। और गाइस बात करते हैं, ये फोटो लगी हुई है आप लोग आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप लोगों को इसकी और फोटोज़ देखनी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा हुआ है, आप लोग जो है उस लिंक पे क्लिक करेंगे ड्राइव में आपको जो है दोनों फोल्डर खुल जाएंगे। ये फोटो के साथ साथ जो है आपको ये फोटोज़ भी देखने को मिल जाएगी। ये फ्रेशर पार्टीज़ की फोटो है, वो भैया फ्रेशर पार्टी जो है सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट को देते हैं, ये ज़्यादातर कॉलेजेस में ऐसा ही होता है, तो इसमें भी यही है, मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इनका एक टेक्निकल फेस्ट होता है जिसका नाम है TEDx। अब TEDx जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे कॉलेजेस में चल रहा है। भैया बेस्ट थिंग अबाउट RGI के बढ़िया चीज़ें बताइए, तो भैया इसमें बढ़िया चीज़ें तो लाइन भैया लिस्ट लगानी पड़ेगी। कुछ पॉइंट मैंने बहुत अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, फीस बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया मिलती है, कोडिंग कल्चर बहुत बढ़िया है आपको, और माहौल बहुत बढ़िया है। इनके जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सारे PhD वाले हैं, और भाई ये कोर सिटी में पड़ जाता है रायपुर की, जिससे कि आप लोगों को बहुत आराम से जो है आप लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो भैया आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये के हिसाब से आपका पैकेज ही इतने का लग रहा है, आप एक ही साल में सारा पैसा इन्वेस्ट अपना रिकवर कर लोगे। ROI कतई जहर है। हाँ गाइस, ये अगर आपको कतई जहर शब्द अच्छा लगा तो आप भी कमेंट सेक्शन में कतई जहर लिख सकते हो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो और गाइस इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है, कोडिंग कल्चर बहुत बढ़िया है, जिससे कि आपका जो है वहाँ पे कोडिंग कल्चर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती तो आपकी जो है फ्रेंड्स जो है तुरंत मदद करेंगे। साथ ही साथ जो है आप फैकल्टी मेंबर्स से भी जो बहुत आराम से रह सकते हैं मिलजुल के, आपको फैकल्टी मेंबर्स भी जो है पूरा सपोर्ट करेंगे। और रायपुर के जब कोर सिटी में हो तो भैया कहीं घूमने फिरने भी जाना तो आप आराम से घूम फिर भी सकते हो। हॉस्टल जिस हिसाब से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे था, काफ़ी बढ़िया हॉस्टल लगा मुझे। तो गाइस अगर किसी भी चीज़ की क्वायरी हो तो यार एक बार फिर से मैं स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर है मेरी टीम का, कोई भी क्वायरी हो टीम को कॉन्टैक्ट करिए, उसके बाद मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, इंस्टाग्राम की आईडी मेरी स्क्रीन पे आ गई है, आप हमसे उस पे जाके फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगे लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गाइस बाय, सेफ रहिए, अच्छे रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।